नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। अभी हम आए हैं नागपुर के सदर कराची गली में, जहां पे एक हफ्ता के बाद लॉकडाउन बोला था प्रशासन ने, उसके एक हफ्ते बाद अभी दुकानें 4 बजे तक खुलने का आह्वान जारी किया है। उसमें लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, और जैसे कि हमने हमारे पुराने वीडियोस में भी आपको दिखाया था कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी लोग, कुछ लोग बाहर निकल रहे थे। आज का समय जो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो थोड़े बहुत लोग जो पिछले टाइम में बाहर निकले थे, पूरी जो जनता है जो कोरोना का पालन कर रही थी पूरे लॉकडाउन में, अभी ऐसा लग रहा है कि लोग घरों से बाहर निकले हैं मार्केट में। आइए उनसे जानते हैं कि व्यापारी से कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है कोरोना टाइम के बाद, आज मार्केट जो खुली है, आइए जानते हैं। सर, लॉकडाउन के बारे में क्या कहना है आपका? अभी पूरे एक हफ्ते बाद शॉप्स खुले, उसके बारे में क्या कहना है? पहले लॉकडाउन के बारे में ऐसा है मैडम कि लॉकडाउन खोलने के भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लॉकडाउन हमको खुला है 4 बजे तक के खुलने का परमिशन दिया है, जबकि होटल वगैरह को 7 बजे तक के दे दिया है। बाकी सब चीज़ों को होटल वगैरह को 7 बजे तक के परमिशन दिया, दुकानदार को सिर्फ 4 बजे तक के। इसका मतलब क्या, आठौड़ी बाज़ार बंद करवा दिए, वहाँ चलो वहाँ करोना है, यहाँ क्या करोना है? यहाँ तो सारे बेनिफिट्स, आपको जो भी प्रॉब्लम आती है वो व्यापारी पे आ रही है। व्यापारी मार्केट बंद कराने से करोना जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो गवर्नमेंट कर रही है गलत रूल कर रही है, जबकि जब वहाँ स्टेट गवर्नमेंट में के लोग, मंत्री लोग बोल रहे हैं कि इसके अंदर में कि लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ के हमारे पालक मंत्री और ये सब जो मिलकर डिसाइड कर रहे हैं, यहाँ लॉकडाउन लगा दिए, 10-10 दिन का लॉकडाउन लगाया, उसके बाद में कोरोना कम हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। जो भी है मार पड़ रही है व्यापारी को पड़ रही है, और किसी को कुछ भी नहीं हो रहा है। व्यापारी कारण जो अभी चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे कोरोना नहीं है, और सिर्फ नागपुर कहीं पर भी कोरोना नहीं है, सिर्फ नागपुर में कोरोना है और वहीं पर लॉकडाउन है। मुंबई में लॉकडाउन क्यों नहीं लगाते आप? वहाँ पे लॉकडाउन क्यों नहीं है? वहाँ लगाने की हिम्मत ही नहीं। नाइट कर्फ्यू लगाएंगे करके बोल रहे, लेकिन अभी तक वो भी नहीं लगाया उन्होंने, कुछ भी नहीं करने की तरह। क्यों हिम्मत नहीं उन लोगों को? मुंबई जो आर्थिक राजधानी है वहाँ पे तकलीफ होती है, यहाँ के व्यापारी व्यापारी नहीं, वहाँ का व्यापारी व्यापारी है। वहाँ गवर्नमेंट को नुकसान होता ना, गवर्नमेंट की सारी चीज़ें चालू है, ऑनलाइन रेस्टोरेंट चला रहे, लॉकडाउन में भी चले, 11 बजे तक के किचन की परमिशन दी हुई है, ऑनलाइन दारू बेचने की परमिशन है, ये सारी चीज़ें चल रहे हैं। बाकी चीज़ें जरूरी नहीं क्या? व्यापारी क्या करेगा? हर तरह के व्यापार हर तरीके से परेशान हो चुका है व्यापार। व्यापारी इतना परेशान हुआ अभी कोई भी नहीं। इसके पहले लॉकडाउन में भी सपोर्ट किए, चलो तकलीफ थी, लेकिन आज इतना किए के बाद भी कोरोना कम हुआ क्या? कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा। जो भी है सिर्फ जो भी व्यापारी के ऊपर फोड़ देने का, भाई यहाँ पे रश हो रहा है। यहाँ कहाँ रश है मैडम बताओ? रश देखने के लिए जाना है आपको तो सब्जी बाजार जाइए, यहाँ रश मिलेगा आपको। किराना बाज़ार में जाइए, वहाँ रश मिलेगा आपको। वहाँ जाते नहीं किस वो, जबकि उनको परमिशन पूरा दिया हुआ है, एसेंशियल कम्युनिटी बोल के उनको दिन भर खुला रखते हैं, वहाँ तो उतना रश होता है, कोरोना वहाँ नहीं फैल रहा है। सब्जी मंडी जाके देखो, अभी भी सब्जी मंडी, बाकी आठौड़ी बाज़ार बंद की सब्जी मंडी खुली है ना, वहाँ जाके देखो रश क्या होता है। तो वहाँ कोरोना नहीं है क्या? कोरोना सिर्फ व्यापारियों से आ रहा है क्या इधर? ये गवर्नमेंट का बोलना है कि भाई व्यापारी को लग रहा है कि व्यापार बंद करने से कोरोना चल जाएगा, तो बस करके देख लीजिए, 10 दिन बंद करा के देखिए आप क्या हुआ। उल्टे 2000 के आज 3500-4000 की रेंज में हमारे पास ही रहे, 3700-3800 की रेंज में तो चल रहा है बस। भी नागपुर टॉप में चल रहा है, मुंबई भी सेकेंड नंबर पर आ गया, लेकिन है क्या? मुंबई में कुछ नहीं है, लॉकडाउन नहीं, कोई सैटरडे संडे लॉकडाउन नहीं, अपना सैटरडे संडे लॉकडाउन कब से लगा है? तो सारी परेशानी व्यापारी को हो रही, उसके बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही है, सिर्फ कोरोना है कोरोना को बता रहे, लेकिन है किधर? आज प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है लोगों को, पैसे खर्चा करके खुद के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पैक है तो आदमी खर्चा तो खुद क्यों करना है? व्यापारी रहे ये कोई खुद भी रहे, प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इसके बाद में गवर्नमेंट कुछ नहीं सहूलियत दे रही कि भाई चलो व्यापारी को कोरोना हुआ तो वो भी वर्कर में आ गया ना, फ्रंटलाइन वर्कर में, कि वो भी दुकान खोल के धंधा कर रहा था, बाकी लोगों को तकलीफ भी साथ दे रहा था, लेकिन उसको कहाँ सहूलियत? कुछ भी नहीं व्यापारी को, व्यापारी को एक पैसे की सहूलियत है ही नहीं। क्या जो अपन हॉस्पिटल में भर्ती है या हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं, आपका खर्चा आपको करना है, टैक्स देने के लिए व्यापारी है, बाकी कोई चीज़ के लिए व्यापारी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलियत नहीं है। नाम मोहम्मद तोफिल आजम है, मेरी सदर में शॉप है और मैं यहाँ कई सालों से मेरी दुकान है, लेकिन जब से लॉकडाउन का टर्म चालू हुआ है तो कस्टमर में बहुत ज़्यादा एक मतलब एक घबराहट, एक एजिटेशन है, और एक मतलब ऐसा लगता है कि कब बीमारी लग जाएगी एक मिनट को। तो कस्टमर घर से एक तो निकल रहे हैं, हमारे धंधे पर तो बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन लेडीज़ लोग तो आते होंगे ना उनके फ्री टाइम में? अभी लेडीज़ लोग आते हैं, लेडीज़ लोग आते हैं, लेकिन उनका जो परचेसिंग पावर है वो कम हो गया, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वो लोग वीक है। जैसा कि अगर 20-50 का सामान लेते तो 20 के लेने को कर रहे हैं, कस्टमर का फ्लो एकदम कम हो गया है,
लोग मॉल की तरफ यानी जो जाते थे, जो ऑनलाइन खरीदी वो बढ़ गई है और हमारे पे बहुत बड़ा इसका असर पड़ा है। और हम अपने आप को सर्वाइव इसलिए कर रहे हैं कि हम पुराने दुकानदार हैं, इसलिए हम कैसा भी सर्वाइव कर रहे हैं, कैसा भी हमारा काम चल रहा है। लेकिन नए जो दुकानदार है वो तो दुकान बड़ा बड़ा के भग जा रहे, दुकानें बंद हो चुकी है। सदर का तो ये हाल है, अभी कम से कम 250 दुकानें बंद हो चुकी है पिछले साल भर में, और 100 दुकानें बंद होने वाली हैं। और सदर का मार्केट पहले ऐसा रहा नहीं, हमारे जो मार्केट थे रीजनल मार्केट थे सदर बर्डी ऐसे, तो मार्केट में बहुत बड़ा इसका असर आया है। ये गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में, पब्लिक के लिए कुछ ख्याल करना चाहिए। और लोग बहुत परेशान हैं, लोगों के पैर में चप्पल जूते से छोड़ो अब तो खाने की नौबत आ गई है। नागपुर में कोरोना है क्या आपके हिसाब से? नागपुर में कोरोना की लहर चल रही है, चल रही है, असर है। और ये लोग जो गेट टुगेदर कर रहे हैं, जो पार्टीज अटेंड कर रहे हैं और जो ट्रैवलिंग है इनका, जैसे इन्होंने बोला कि कोरोना खत्म हो गया, लोग बिल से निकल गए, लोगों ने ट्रैवलिंग किया, इवन अपन यहाँ बैठे हैं, लोग इंग्लैंड घूम रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, टनल में जा रहे हैं, इवन जर्मनी घूम के आ रहे, ऑस्ट्रेलिया घूम के आ रहे, हाँ सऊदी जा रहे, उमरा कर करके आ रहे थे बीच में। तो ये अब ये पट्टा छोड़ा, ईस्ट पकड़ा, भूटान पकड़ा, नेपाल पकड़ा, इधर जा रहे हैं। तो जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं इससे बॉडी में वीकनेस आता है, बॉडी में वो जम्स रहता है, घर का जाता है, क्योंकि बॉडी अपनी वैसी रहती नहीं है। उसका असर नागपुर वाले पे बहुत ज़्यादा दिखने में आया है। और इसके शिकार तो अभी मेरा खुद जो जवाई है, अभी कल उसका डेथ हुआ कोरोना में, वो छिंदवाड़ा गया था और छिंदवाड़ा बाइक से गया था, वो भी कलाकार है, और बाइक से जाने के बाद में घर वाले को लेके भी गया, उसको उसमें कोरोना लगा, उसके उसको संक्रमण दिखे, 2-3 दिन उन्होंने जड़ी बूटी की दवाई लिया। अब जड़ी बूटी की दवाई ज़रूर नहीं काम करे, फिर मेवा में दिखा, एडमिट हुए मेवा में, उनको ऐसा लगा कि केयर नहीं हो रहा, इतना बड़ा दवा खाना, लाखों रुपए का ये लोग बिल बताते हैं ऑक्सीजन का, वेंटिलेटर का, और वहाँ वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन बार बार से अवेलेबल नहीं है। आप महीने के इनके बिल देखिए ना, गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल इनके, आप महीने में इनका बिल देखेंगे, इनका एस्टिमेट लेंगे ऑडिट के अंदर में, 1-2 करोड़ की खाली ऑक्सीजन और ये सिलेंडर बताते हैं, तो जाता कहाँ है? आखिर मजबूर होकर उनको हमको लाइफ लाइन ले आना पड़ा, 3:15 पर रात में वहाँ से 2 बजे निकाले, 3:15 लाइफ लाइन ले गए, और वहाँ उन्होंने कल उनको डेथ डिक्लेयर किया। गवर्नमेंट में तो कम लगता है ना, गवर्नमेंट में पैसा नहीं है लेकिन केयर नहीं है, केयर उतना है, उसके लिए आपका पॉलिटिकल अप्रोच बहुत ज़रूरी है, आप अदरवाइज आपको कोई जानता नहीं तो आपको इतना केयर नहीं होगा। फिर वो सर्जन आते हैं राउंड पे, अपने राउंड पे बात करते हैं, अच्छे भी होते हैं पेशेंट, लेकिन अगर फर्स्ट स्टेज पे गए तो अच्छे होते हैं, लेकिन ट्रैवलिंग करने वालों का कोई हिसाब नहीं है। मेरी पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि डोंट ट्रैवल, ट्रैवल मत कीजिए, घर पे बैठिए, आप अपने आप को दूसरों से बचाइए। आप शादी में जाते, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता नहीं, बहुत कुछ हो जाता है, और अपन कब्र में चले जाते हैं या शमशान घाट पे चले जाते, पब्लिक का कुछ नहीं होता, तुम्हारा क्या है वो तुम देखो। है बीमारी है क्योंकि बॉडी अब्सॉर्ब करती नहीं है, मौसम वेदर ख़राब हो चुका है, 4 दिन से बारिश आ रही, ठंडी पड़ती है, इसमें तकलीफ है, वायरल है वो घर का लिया। जैसे कि अभी आपने देखा, हमने कुछ व्यापारी से बात की, जैसे प्रशासन ने अभी 4 बजे तक का जो टाइम दिया है उसमें भी व्यापारी लोग संतुष्ट नहीं है, उनका कहना है कि वो उस टाइम में ग्राहक आते ही नहीं है। ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तत्काल न्यूज़ लाइव।